नमस्कार दोस्तों, कभी कभी कोई बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी में इतना खो जाता है कि उसको ये भी पता नहीं चलता कि उसने अपने देश के लिए अपने पहले ही मैच में हाफ सेंचुरी लगा दी है। T20 के क्रिकेट में हाफ सेंचुरी लगाना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आपके पास बहुत कम गेंदों का मौका मिलता है, लेकिन हाफ सेंचुरी आप लगाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि वनडे क्रिकेट की वो सेंचुरी हो गई। T20 में तो लोग 30s को काउंट करते हैं और उस हिसाब से तो 50 बहुत अहमियत हो जाती है, लेकिन जब ईशान किशन ने पहली बार 50 जड़ी तो उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि वो 50 रन ठोक चुके हैं। इतना ज़्यादा वो फोकस्ड थे अपनी बल्लेबाजी पर, इतना ज़्यादा वो फोकस्ड थे अपने शॉट मेकिंग पर कि वो स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देख रहे थे। उनको बस अगली बॉल देखनी थी, बॉल की मेरिट पर खेलना था, उसको बाउंड्री के पार पहुंचाना था। और क्या ताबड़तोड़ शॉट्स खेल रहे थे, सामने से विराट कोहली भी उनके हर शॉट पर उनको चीयर कर रहे थे। और उसी दौरान 50 हो जाती है ईशान किशन की और वो बाद में ये बताते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी 50 हो गई। विराट भाई आए और उन्होंने कहा कि ओए तेरा 50 हो गया है, चारों तरफ बैट घुमा और बता सबको कि तूने पहले मैच में इंडिया की तरफ से 50 ठोक दी है। उसके बाद ईशान किशन ने फिर अपना बल्ला चारों तरफ मैदान की तरफ जो दर्शक बैठे थे उनकी तरफ दिखाया और राहत की सांस ली और तब उन्होंने महसूस किया कि वो 50 तक पहुंच चुके हैं। ये उन्होंने चहल टीवी पर बाद में बताया। मैच के बाद में चहल टीवी में जब युजवेंद्र चहल उनसे बात करते रहते हैं, इंटरव्यू लेते हैं नए क्रिकेटर्स का मैच के बाद जब भी टीम इंडिया की जीत होती है, तो उसमें फिर ईशान किशन ने इस बात का खुलासा किया कि मैं इतना ज़्यादा फोकस था कि मुझे पता नहीं था कि मैं कितने रनों पर खेल रहा हूँ। अचानक से मेरा 50 हुआ तो विराट भाई आए, उन्होंने मेरी तारीफ़ की और फिर मुझे कहा कि बैट घुमाओ चारों तरफ। तब मैंने जाकर ये रियलाइज़ किया कि मेरा 50 हो गया है। फिर मैंने बैट घुमाया, फिर भी मैं वैसे ही शॉट्स खेल रहा था और 56 रनों पर मैं आउट हो गया, लेकिन बड़ी बात थी कि मैंने पहली इनिंग में जो मैं चाहता था वो मैंने किया, देश के लिए देश को जिताया, ये बहुत बड़ी बात थी। तो कैसी लगी ये स्टोरी बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।